दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। गांव में शनिवार रात करीब 9 बजे दर्जी से ग्राहकों की समय पर कपड़े न सिलने पर कहा सुनी हो गई, जिसके बीच बचाव में सामने की मस्जिद से कुछ लोग आ गए, जिनसे ग्राहकों व दुकानदार पक्ष में हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित होकर मुस्लिम समुदाय के लोग कोतवाली पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भी जब थाने में प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने, तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने स्वयं मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस के अलावा CSP संदीप मिश्रा, कोतवाली TI आनंद सिंह के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। शहर में जमावड़ा लगाकर खड़े हुए लोगों को समझाइश देकर उनको अपने घरों में रहने की हिदायत दी। कोतवाली पहुंचा था, क्या मामला है, क्या घटना हुई? कुछ लोग थे, आए थे कुछ घटना को लेकर, उसमें हम लोग जो विधि संगत कार्रवाई है वो कर रहे थे अस्पताल, और जो कानून बीच करेगा उसके हिसाब से जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई थाने में हो रही है, और जो लोग आए थे उनको अस्पताल जो कार्रवाई होना चाहिए हम लोग के द्वारा की गई, पूरा प्रशासन इसके लिए किया गया, अभी शहर सब स्थिति नॉर्मल है। सर, शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च निकाला गया था पुलिस के द्वारा? लॉ एनफोर्समेंट है, रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ वो एनफोर्समेंट करने के लिए हम लोग हैं, हम लोग मार्च में निकले। सर, इस बीच एक पत्रकार के ऊपर हमला भी हुआ है, क्या मामला है? इस संबंध में जो अधिक जानकारी आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था सर, किस वजह से यहाँ लोग इकट्ठे हुए? देखिए, ये घटना अभी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन में है, इसके बाद क्लियर पूरा होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा।